Praise the Lord and greetings to all of you who are attending this Bible study hour of LifeSpring Assembly. और आप सबको आज की शाम जय मसीह की और मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूं जो LifeSpring Assembly कलीसिया के आज इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं. And those of you are attending online and then those who will watch this later on when according to their time. Let us pray that the Spirit of God himself shall move and give understanding that we may know the truth. और मेरी प्रार्थना और विश्वास यही है कि आप में से वे जो इससे जुड़े हैं और ऑनलाइन माध्यम से इसको देख रहे हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का चलन और कार्य हमारे जीवनों में होने पाए. In our last lesson we were talking about the headship of the universe, headship of a family, because our God is a God of order and rule. और हमारे पिछले अध्ययन में हम बात कर रहे थे सिर के विषय में या एक अगवे के विषय में क्यों और क्योंकि परमेश्वर हर एक बात में हमारा सिर है. In a family situation, और एक परिवार की परिस्थिति में, the head of a woman is man, एक स्त्री का सिर मनुष्य है, and the man's head is Christ, और उस पुरुष का सिर मसीह यीशु है, and the Christ head is God, और मसीह यीशु का सिर परमेश्वर पिता है, and see when God, when we say that Christ head is God, और जब हम ये कहते हैं कि मसीह यीशु का सिर पिता परमेश्वर है, what does the scripture mean? और इसका मतलब क्या है? It means Jesus Christ lived here on earth as a man. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जिया. He did not exercise any divine power, as God, to defeat the devil or preach or teach and does miracle. और उसने किसी भी प्रकार की स्वर्गीय सामर्थ का प्रयोग नहीं किया कि वो प्रचार उस स्वर्गीय सामर्थ के साथ प्रचार करे या परीक्षाओं का सामना करे या शैतान को हराए. And he did it all because he completely surrendered and subjected himself to the lordship or godship of God the Father. और उसने ये बात सिर्फ इसलिए करनी पाई कि उसकी उसने अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया परमेश्वर पिता के अधीन और उसकी प्रभुता में रहकर. So when the Bible says, when Paul says the head of Christ is God. और इसलिए जब पौलुस प्रेरित इस बात को लिखता है कि मसीह यीशु का सिर पिता परमेश्वर है. This simply means when Christ was on earth living his life as a man. इसका मतलब साधारण रूप से ये है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मानवीय देह को लेकर एक मनुष्य के रूप में जी रहा था. He subjected himself to God the Father. तो उसने अपने आप को परमेश्वर पिता को समर्पित कर दिया. And God the Father was the head under whom Christ worked and functioned. और परमेश्वर पिता वो सिर था जिसके अधीन रहकर उसने कार्य किया और अपनी सेवा को किया. So if you read Philippians chapter 2 verses 6 and 7, और इसलिए अगर आप फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 और 7 को पढ़ें, you will understand it clearly. आप इस बात को बड़े अच्छे स्पष्ट रीति से समझेंगे. This passage says, और ये वचन यहाँ पर कहता है, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. So that is what it means. और इसका यही मतलब है. He lived as a man. वो एक मनुष्य के रूप में जिया. And coming down to a human level. और एक मनुष्य के रूप में एक मानवीय स्तर पर वो आया. And just like a man is tempted. और जिस प्रकार से एक मनुष्य की परीक्षा ली जाती है. Christ was tempted in every aspect of. तब मनुष्य भी मसीह यीशु भी हर एक परिस्थिति और हर एक रीति से उसकी परीक्षा ली गई. But he was a man without sin. लेकिन वो एक ऐसा मनुष्य था जिसमें कोई भी पाप नहीं. So today.
तो इसलिए आज की शाम हम दूसरे वचन के भाग में बढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय चौथे वचन से लेकर छठे वचन तक हम देखेंगे एंड सो लेट अस रीड 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 4 5 6 पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 4 5 और 6 वचन वी रीड हियर एवरी मैन हु प्रेज और प्रोफेसाइज विद हिज हेड कवर्ड डिसऑनर्स हिज हेड एंड एवरी वुमन हु प्रेज और प्रोफेसाइज विद हर हेड अनकवर्ड dishonors her head. It is just as though her head were shaved. If a man, the woman does not cover her head, she should have her hair cut off. And if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or shaved off, she should cover her head. जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। Now in this section Paul is addressing the issue of dress. और वचन के इस भाग में पौलुस बात कर रहा है पहनावे के विषय में। In the last section as I told we dealt with the headship. और जैसा कि मैंने बताया हमारे पिछले अध्ययन और वचन के पिछले भाग में हमने बात किया था अगुवाई या सिर के विषय में कि कौन किसका सिर है। Now the principle involved in this specific issue is very very important. और जो सिद्धांत यहाँ पर है वो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। So what was the problem? समस्या क्या है? Corinthian church as in the beginning itself I said they had all kinds of problems. और जैसा मैंने कहा कि कुरिन्थ कलीसिया के पास हर प्रकार की समस्या थी। So in this passage the problem was the way some of the men were dressing up. और समस्या यहाँ पर ये थी कि जिस तरीके से कुछ मनुष्य पहनावा करे थे या कपड़े पहन रहे थे। Listen, we are now talking about just the men, not the women. और याद रखिए अभी हम सिर्फ पुरुषों के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि स्त्रियों के विषय में। And the way some of these men were dressing up were dishonoring the Lord. और जिस तरीके से इनमें से कुछ कपड़े पहने थे, अपना पहनावा रखे हुए थे, वो परमेश्वर के अनादर जैसा था। And some of the women were dishonoring God by their dresses. और कुछ स्त्रियां अपने पहनावे से परमेश्वर का अनादर करती थी। Which we shall deal later on. जिसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। And the first thing is, लेकिन पहली बात ये है, men worshiping with covered head. ऐसे मनुष्य जो ढके हुए सिर के संग आराधना कर रहे थे। Now reading of this passage will show, और इस वचन के भाग को पढ़ने से हमें ये दिखता है that some men were covering their head while worshiping. कि उनमें से कई सारे मनुष्य अपने सिर को ढके हुए थे जब वो आराधना को करते थे। Now, this was the practice of the Jews during Jesus' time. और यही यहूदियों का स्वभाव था या यही उनका कार्यक्रम था यीशु मसीह के समय में। For the early church, और पहले सदी की कलीसिया के लिए worshiping the Lord with uncovered head was important. और परमेश्वर की आराधना बिना ढके हुए सर के संग करना बड़ा महत्वपूर्ण था। That's the way when the church began. और इसी तरीके से कलीसिया की शुरुआत हुई। It is important. और ये महत्वपूर्ण है। Because after the resurrection of Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात। By his blood. अपने लहू के द्वारा। Christ opened a new way for the New Testament believers to enjoy face-to-face communion with God. प्रभु यीशु मसीह ने एक नए मार्ग को खोल दिया कि वो परमेश्वर के संग एक नई वाचा का आनंद उठाने पर। But this sentence I just spoke, और इस वाक्य को जो मैंने अभी बोला, as a reference to the rending of the veil when Jesus
gave up his ghost. इसका मतलब है या इसका एक रिश्ता है उस मंदिर के पर्दे का दो भाग में फट जाने से जब यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस पर हुई. You know there was a curtain, thick curtain, which could not be there so easily. Between the holy and the most holy place. और जैसा कि आप सबको पता है कि एक बड़ा पर्दा अति पवित्र और पवित्र स्थान को विभाजित किए हुए था. In the holy place. और उस पवित्र स्थान में. There were three furniture. और उस पवित्र स्थान में तीन वस्तुएं मौजूद थी. One was the lamp. और एक था वो वहां पर मौजूद वो रोशनी देने Second वाला was the, दीवट. The table of showbread. और वहां पर था एक मेज रोटी की मेज. And then towards the entrance into the most holy place was the altar of incense. और जब पवित्र अति पवित्र स्थान के जाने के रास्ते के भी के रास्ते में ही और वो वहां पर एक धूप जलाने की वेदी थी. Now separating the courts from the holy place was another barrier. और इसलिए पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से विभाजित करने के लिए एक बड़ा पर्दा लगाया गया था. Everybody could come to the court. और इसलिए वो जो वहां आराधनालय का जो भवन था वहां तो हर कोई आ सकता था. And so it was that's where the general public would come. और वहीं पर जो साधारण लोग थे या भीड़ या आराधना करने आराधक वहां इकट्ठा होते क्योंकि वहीं पर वो बलिदान की वेदी मौजूद थी. And then from there, after that is the holy place. लेकिन उस साधारण स्थान या उस भवन के बाद पवित्र स्थान आता था. The public was not allowed to enter in. और भीड़ को या आराधकों को अनुमति नहीं थी कि कोई भी पवित्र स्थान में जाए. Only the priest and the Levites who were assisting them could enter into that. सिर्फ याजक और लेवी घराने के जो याजक थे उसके अंदर जा सकते थे. Then we have the most holy place. और उसके बाद हमारे पास अति पवित्र स्थान मौजूद था. There were nobody allowed to go. और कोई किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो इस अति पवित्र स्थान में जाए. Even the high priest. और यहाँ तक कि वो मुख्य याजक was not allowed to enter in whenever he desired. उसे भी अनुमति नहीं थी कि वो अंदर जा सके जब उसकी मर्जी हो. There was only one day a year he was allowed to enter into that place. सिर्फ साल में एक ही दिन उसे ये अनुमति थी और एक ही बार ये अनुमति थी कि वो उस अति पवित्र स्थान में जा That's सके. Where the most holy God dwelt. Among God's people. क्योंकि वहीं पर वो सर्वशक्तिमान और सर्व पवित्र परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करता था. But when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस पर हुई, He paved a way by His own precious blood, as the Bible tells us. उसने अपने पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा एक मार्ग को तैयार किया. So that anyone could enter into the very presence or before the throne of God. Through that way alone. ताकि उस मार्ग के द्वारा कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके. That's what happened after the resurrection of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात यही हुआ. And that's what it says. और यहाँ इसी बात को लिखा गया है. That after the resurrection of Christ, by His blood, Christ opened a new way for the New Testament believers to enter into the very presence of God before the throne. Anytime. कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात एक नए मार्ग एक नए रास्ते को विश्वासियों के लिए खोल दिया कि उसके द्वारा वो सीधे परमेश्वर पिता के निकट जा सके. So today we, the New Testament believers, have the privilege of enjoying face-to-face communion with God Almighty. और इसलिए आज के दिन हमारे पास ये अनुभव है ये अनुमति है कि हम परमेश्वर के संग आमने सामने उससे मुलाकात कर सकते हैं. An uncovered head is symbolic of this truth. और एक ना ढका हुआ सर इस सच्चाई को दर्शाता है. The veil is removed. कि वो पर्दा हटा दिया गया है. And we have a free access to God. और अब हमारे पास वो आजादी है कि हम सीधे परमेश्वर के निकट जा सकें. And the uncovered head was the distinguishing mark of a follower of Christ. और एक ना ढका हुआ सिर इस बात का चिन्ह था कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है. So, और इसलिए those men who were worshiping with covered head
were doing so in rebellion. और इसलिए वे पुरुष जो अपने सिर को ढक कर आराधना कर रहे थे वो इस बात को विद्रोह में करते थे. And what is a rebellious spirit? और वो विद्रोह की आत्मा क्या है? Rebellious spirit is sin. और याद रखिए वो विद्रोह का आत्मा एक पाप है. Fellowship with God and worship with other believers are not possible in an atmosphere of such a rebellious spirit. और परमेश्वर के संग सहभागिता और दूसरे विश्वासियों के संग सहभागिता तब तक संभव नहीं है ऐसे विद्रोह के एक वातावरण में. The Bible says in the first Samuel. और ये वचन बताता है पहले सैमुअल नबी की पुस्तक में. The rebellion is equal to witchcraft. कि विद्रोह जादू टोना के बराबर है. But we are saved to be witnesses. लेकिन हमें बचाया गया है कि हम गवाह ठहरें. Witnesses to God's love and compassion. कि हम गवाह ठहरें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के प्रेम के. So that this is the first thing we need to understand why men were to come before God in the New Testament with uncovered. और इसलिए ये वो पहली बात है महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना जरूरी है कि नए नियम में क्यों पुरुषों को बिना सर ढके परमेश्वर की उपस्थिति में आना था. Secondly, let us now look at the women's. और दूसरा भाग आइए हम अब स्त्रियों की ओर देखें. In the case of women, और स्त्रियों के विषय में a woman, she can dishonor both God and her husband by her dress. और एक स्त्री अपने पति और परमेश्वर दोनों का अनादर कर सकती है अपने पहनावे के द्वारा. In the early church, और पहली सदी की कलीसिया में it was a strict custom और ये for women to wear a veil. ये स्त्री के लिए बड़ा ही कठोर नियम था कि वो एक पर्दा लगाकर सामने पहने. Even today, और आज के दिन भी this custom exists in some Eastern countries. ये नियम आज भी कुछ ऐसे एशियाई महाद्वीप में देश पाए जाते हैं जहाँ ये नियम अभी भी है. Like India. जैसे भारत. And in our neighboring countries. और हमारे पड़ोसी देशों में. Now in the Eastern countries, the veil is the power, honor, and dignity of a woman. क्योंकि एशियाई महाद्वीपों के इन देशों में जब एक स्त्री खुद को ढक कर रखती है ये दर्शाता है इनका ये ढकना ये पर्दा उनके आदर को उनके सम्मान को और उनकी सुंदरता को. So you need to understand. और इसलिए इस बात को आपको समझना Why है. A woman is advised to cover the head during worship time when we enter into the house of God. कि क्यों एक स्त्री को ये जरूरी है कि जब वो आराधना के लिए आती है तो अपने सिर को ढके. इट वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लोअर और अ सबमिसिव काइंड ऑफ एटीट्यूड. और याद रखिए ये इस प्रकार का चिन्ह नहीं था कि वो दर्जे में नीची है या उसका स्वभाव नीचा है. इट इज अ साइन ऑफ अ पावर एंड ऑनर एंड डिग्निटी. लेकिन ये तो चिन्ह था उसकी शक्ति उसके आदर और सम्मान का. You know, with the veil, a woman can go anywhere in security and respect. और याद रखिए एक पर्दे में एक स्त्री कहीं भी किसी भी स्थान में जा सकती है बड़ी सुरक्षा और बड़े हियाव के साथ. Now listen very carefully. और बड़े ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिए. Why this was instructed to the New Testament believers? There is a dignified reason. और क्यों नए नियम के विश्वासियों को यह निर्देश लिखा गया? क्योंकि इसके पीछे एक सम्मानजनक कारण है. When a woman is veiled, जब एक स्त्री पर्दा रखती है, she is not seen. तब उसे कोई देख नहीं सकता. It is a bad manner to observe a veiled woman. और ये किसी ढकी हुई स्त्री को जबरदस्ती देखना एक अनादर का बात है या एक बुरा चरित्र को दिखाता है. And especially when she walks along the street. और खास रीति से जब वो सड़क पर से होकर के निकलती है. She is alone. वो अकेली है. But without the veil, लेकिन बिना पर्दे के a woman is a thing of a loose character. एक स्त्री एक ढीले चरित्र को दर्शाती है. I want you to understand this. मैं चाहता आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं. Anyone may insult her.
कोई भी उसकी बेइज्जती कर सकता है. Anyone may approach her. कोई भी उसके निकट आने की कोशिश कर सकता है. And an unveiled woman on the street or anywhere else is a woman who is identifying herself with the loose character woman. और इसलिए कि बेपर्दा या बिना पर्दा करे हुए स्त्री खुद को ऐसी स्त्रियों के संग एक दिखाती है जो ये ऐसा ही करते हैं. And a woman's dignity and authority vanishes with the veil being discarded. और एक स्त्री का शक्ति, उसका आदर और अधिकार खत्म हो जाता है जब उसका पर्दा हट जाए. The veil left the forehead and eyes exposed. और वो पर्दा जब हटता है तो सिर, आंखें दिखती है. Not sir, the forehead. The, you know, the माथा. And reached from the head to the ankle. और वो पर्दा माथे से लेकर या सिर से लेकर उसकी एड़ी तक पहुंचता है. With some clothing underneath. और जिसके भीतर वो कपड़े पहने होती है. A woman and woman is seen as a woman of dignity and decency and authority. तब एक स्त्री को देखा जाता है आदर, सम्मान और अधिकार के संग. In the eyes of the society, और समाज की नजरों में, the unveiled woman was to a sign of loose morals. और उन दिनों में समाज की नजरों में एक बेपर्दा स्त्री को ऐसे देखा जाता था या समझा जाता था जिसका चरित्र ढीला है. She was exposing too much of her body. क्यों जो अपने शरीर को दिखाती है या उसका दिखावा करती है. And the immodest and indecent dress brought dishonor to her husband. और उसका गलत पहनावा और अपमानजनक संवाद पहनावा उसके पति के अपमान को यश को लेकर के आता है. She might as well uncover the whole body. हो सकता है वो पूरी देह को भी बेपर्दा कर दे. Shaven head. और अपने शर का मुंडी करा दे या बाल कटवा दे. So what is the lesson? तो यहाँ पर वो शिक्षा क्या है? Christian women must not follow the customs of the world in dress. मसीही स्त्रियों को सांसारिक स्त्रियों के समान पहनावे को नहीं रखना. That is the principle. यही सिद्धांत है. That is the lesson. यही शिक्षा है. Always keep it in mind. और हमेशा इस बात को आप अपने मन में रखिए. In India, भारत में, an uncovered head a woman may have may not be a sign of loose character. हो सकता है भारत में एक बेपर्दा या बिना ढका हुआ एक स्त्री ढीले चरित्र का उदाहरण नहीं है. Our Indian way of dressing is dignified and the important lesson is be careful women that you expose your body too much. और जो चेतावनी यहाँ पर पॉलस देना चाहता है वो ये है कि स्त्रियों इस बात का ध्यान रखो कि अपनी देह को कहीं बेपर्दा ना करो. There should be women must follow modesty, decency and dignity when you dress up. और इसलिए स्त्रियों को आदर, सम्मान और सही रीति से पहनावे को रखना है जब वो पहनावा करते हैं. That is the principle. और यही सिद्धांत यहाँ पर मौजूद है. That is valid today as well. और ये सिद्धांत आज के लिए भी लागू होता है. And we are not to follow the world's ways of dressing up. और हमें संसार का उदाहरण लेकर या उससे प्रभावित होकर उसके पहनावे को नहीं लाना है. So that is why you say. और इसीलिए कहा गया है. They must dress in. We should not women. Our women should not dress in modest way as to expose the body to attract attention. और इसलिए पौलुस कहता है कि स्त्रियों को अपमानजनक, लज्जाजनक स्थिति में पहनावे को नहीं रखना है कि वो दूसरे पुरुषों की अपनी ओर आकर्षित कर सके. And thus seek popularity and commend from the society. और इसके द्वारा प्रसिद्ध हो जाएं और समाज से वाहवाही को लूटें. And one should not consider
that dressing up in a particular way according to the world's style. और इसीलिए किसी को भी अपने पहनावे को सांसारिक रीति से प्रभावित नहीं करना है. You want to show yourself as a modern woman. और आप अपने आप को एक आधुनिक स्त्री के रूप में दिखाना चाहती हैं. If the modern way of dressing up is something not dignified. और ये आधुनिक तरीका जो पहनावे का है वो एक कुछ ऐसा तरीका है जो आदरमय सम्मानजनक नहीं है. You are not pleasing God. आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते. Remember what your body is. और याद रखिए आपका शरीर क्या है. Your body is not for men of this world to watch and make comments and expose to them, but your body is the temple of a holy God. और याद रखिए आपका शरीर इसलिए नहीं है कि पुरुष उसको देखकर आकर्षित हो और उनके विषय उस देह के विषय में अलग अलग बातों को बोलें, लेकिन इसकी बजाय आपको समझना है आपके शरीर परमेश्वर का मंदिर उसके भवन है. सो द लेसन और द प्रिंसिपल इज दिस. और जो शिक्षा यहाँ सिद्धांत हमें मिलता है वो ये है. व्हाइल द होल वर्ल्ड इज टुडे does not the women does not cover their head. और हो सकता है आज के दिन पूरा संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने सिर को नहीं ढकती और पर्दा नहीं करती. Today you can be a decent dignified woman even with your head uncovered. और आज के दिन भी आप एक ऐसी स्त्री हो सकती हैं जो सम्मानित हैं, आदरमय हैं और अच्छे चरित्र के हैं बिना सर ढके. When you dress up modestly, that's what the New Testament says. और इसीलिए नए नियम कहता है जब आप सही रीति से पहनावे को रखें. Apostle Paul gives this teaching. पौलुस प्रेरित इस विषय में इस शिक्षा को देता है. I want women to dress up modestly and decently as fitting to God's holiness. कि मैं चाहता हूं कि स्त्रियां सम्मानजनक आदरमय रूप से पहनावे को करें जो कि परमेश्वर को महिमा और पवित्र जानकर. इफ यू ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अगर आप भारत के अलग अलग भिन्न भिन्न इलाकों में यात्रा करते हैं. इवन टुडे आज के दिन भी. वुमेन आर नॉट अलाउड टू अनकवर देयर हेड व्हेन दे कम टू द वर्शिप. देखते होंगे कई ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर स्त्रियों का अनुमति नहीं है कि वो बिना सर ढके आराधना में आए. And they teach their girls, their daughters, to cover their head even when they are children. और वो अपने बच्चों को भी, लड़कियों को, बच्चियों को भी सिखाते हैं जब वो छोटी ही हैं कि वो अपना सिर ढक कर परमेश्वर की आराधना में आए. Which is a mark of the that you are under the authority of man. जो कि इस बात को दिखाता है या चिन्ह पूर्वक दिखाता है कि आप पुरुष के अधीन हैं. But someone is above you. कि आपके ऊपर भी कोई है. And you need to honor that man. और आपको उस पुरुष का, उस मनुष्य का आदर करना है. As it said in the beginning. जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा. Man's head is, woman's head is man, and man's head is Christ, and Christ's head is God. कि एक स्त्री का सिर पुरुष और पुरुष का सिर मसीह यीशु और मसीह यीशु का सिर पिता परमेश्वर है. And so it is good to have a sign that you are under authority. और इसलिए अच्छी बात है कि एक चिन्ह रहे और दिखे कि आप एक अधिकार के अधीन हैं. It is practiced throughout South India. और इस बात का जो अभ्यास है पूरे दक्षिण भारत में किया जाता है. And even in North India. और यहाँ तक कि उत्तर भारत के भी कई इलाकों में. Except we follow Western style. और हमको छोड़कर, कुछ कलीसियाओं को छोड़कर जो वेस्टर्न स्टाइल से आराधना करते हैं या इस बात की आजादी देते हैं कि वो कैसे बिना सर ढके भी आराधना कर सकते हैं. Is it a sin? क्या एक पाप है? No, we don't consider it as a sin. हम इसे एक पाप नहीं मानते. But it is a sign of modesty and decency. लेकिन ये तो एक चिन्ह है आदर और सम्मान का. And so may we glorify God. और होने दे इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें. By doing what the Bible instructs us. वो करने के द्वारा जो बाइबल, ये पवित्र वचन हमें बताता है. Let us honor God. परमेश्वर का आदर करें. Let us honor man, Christ. मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का, यीशु मसीह का आदर करें. Let us honor our men. और अपने पुरुषों का आदर करें. And let us honor
and protect our women. और आइए अपनी स्त्रियों का आदर करें और उनकी सुरक्षा करें. You are not losing any dignity by covering your head. आप अपने सम्मान को नहीं खोते अपने सिर को ढकने के द्वारा. So may the Lord, the Holy Spirit, give us understanding. और होने दे पवित्र आत्मा हमें उस समझ दे. When we want to honor God, और जब हम परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं, we honor His word. हम उसके वचन का आदर करते हैं, and we obey His word. हम उसके वचन के आज्ञाकारी बनते हैं. There is no sense in saying I love God. और ऐसा कहने में कोई भी तुक नहीं बनता जब आप कहें मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं. And never bother about keeping His word. और लेकिन कभी भी चिंता नहीं करते हैं उसके वचन को बनाए रखने के लिए. And that's why, और इसी कारण यीशु ने कहा, if You remain in me. कि अगर तुम मुझ में बने रहो. And my words abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे. Remain in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे. You may ask anything you desire. आप जो कुछ मांगना चाहे मांगो जो तेरी इच्छा है. It will be given to you. ये तुम्हें दिया जाएगा. And this is for my Father's glory. और ये मेरे पिता की महिमा के लिए है. That you bear much fruit. कि तुम बहुत सा फल लाओ. That Thus, the people around you may know you are my disciple. ताकि जो लोग तुम्हारे इर्द-गिर्द पाए जाते हैं वो इस बात को जाने और समझे कि तुम मेरे चेले हो. And then Jesus also said. और उसके बाद यीशु ने फिर ये भी कहा. It is not everyone who hears my word. ये हर कोई वो नहीं है जो मेरे वचन को सुनता है. But it is everyone who, after hearing my word, go about and doing my word. लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है और चलता है. So it is the doers of God's word who shall be blessed in the kingdom of God. और इसलिए ये तो वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते और उसे करते हैं जो परमेश्वर के राज्य में आशीषित होंगे. So my brothers and sisters, और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, please remember, कृपया करके याद रखिए, let us be doers of God's word. हम परमेश्वर के वचन को करने वाले बने. And otherwise, लेकिन at the end when we stand before the judgment seat, क्योंकि अंत में जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, what would you like to hear Jesus tell you? आप क्या सुनना चाहेंगे कि यीशु आपसे क्या कहे? To some people, कुछ लोगों से who knew the word but never obeyed, जिन्हें वचन तो पता था लेकिन कभी आज्ञा नहीं मानी, he would say, I don't know you. वो उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता. You may preach, और आप प्रचार कर सकते हैं. You may pray, आप प्रार्थना कर सकते हैं. You may even perform miracles, और यहाँ तक कि चिन्ह और चमत्कार भी कर सकते हैं. But how about the teaching of Jesus concerning holiness and separation and pleasing God? लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा के विषय में क्या कहें जो पवित्रता के विषय में परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में. And your motive and your intentions are all taken into consideration. और आपकी इच्छाएं और आपकी प्रेरणा हर एक बात को परमेश्वर देखता और आंकता है. Why do you do what you do? आप क्यों करते हैं जो करते हैं. That is important. और ये महत्वपूर्ण है. It is in honor of God. ये परमेश्वर के आदर में है. So let us be blessed people when we stand before और होने दे हम परमेश्वर के सामने आशीषित धन्य लोगों के सम्मुख हो जाओ उसके सम्मुख not only knowing the word ना केवल वचन जानने के द्वारा doing the word लेकिन वचन को करने के द्वारा. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. May this lesson help you to understand what God desires और होने दे ये शिक्षा आपकी समझ में आए और आपको प्रेरणा दे कि वह परमेश्वर किस बात की इच्छा करता है. ड्रेसिंग अप स्पेशली और खास रीति से हमारे पहनावे में. डोंट एक्सपोज योर बॉडी टू मच. अपने शरीर को ज्यादा दिखाएं या उसका दिखावा ना करें. प्लीज रिमेंबर दैट. कृपया करके इस बात को याद रखें. वी कैन डिसऑनर गॉड एंड डिसऑनर आवर हस्बैंड्स योर हस्बैंड एंड डिसऑनर एवरीबॉडी एल्स बाय ड्रेसिंग अप इन द वे नॉट फिटिंग to godly women. और हम अपने स्त्रियां अपने पति का परमेश्वर का अनादर कर सकती हैं सही रीति से पहनावे को ना करके. Blessed Lord, धन्य परमेश्वर, give us the humility to accept your teaching. हमें वो दीनता दे कि हम तेरी शिक्षा को ग्रहण करने पाएं. The humble enough to obey. और दीनता के संग तेरे वचन को माने. And not expose too much to the outside world of our. और बाहरी रूप से हम ज्यादा दिखावा संसार के सामने ना करें. But as women of God. लेकिन परमेश्वर की स्त्रियों के समान. And let our women in the church dress up as fitting to
godliness. होने दे हमारी कलीसियाओं में स्त्रियां पहनावे को ऐसे रखे जो तुझे प्रसन्न करे. And we need your grace. हमें तेरे तुझे तेरे हमें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है. And we want the Holy Spirit to give us the courage to be different. और हमें पवित्र आत्मा आपके उस साहस की आवश्यकता है जो हमें अलग होने दे. Thank you. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus name. यीशु के नाम में. All the conclusion is this. और पूरा परिणाम और निष्कर्ष यही है. Dare to be different from the worldly women. कि आप चुनौती उठाएं कि आप सांसारिक स्त्रियों से कुछ अलग दिखें. For worldly men. या सांसारिक पुरुषों से अलग दिखें. आमीन. आमीन.